जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैसे ही तापमान भी ऊपर नीचे हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हेलस्टोन्स होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। देखने जाएंगे तो हेलस्टोन्स बहुत मस्त दिखते हैं गिरते हुए, पर उतने ही खतरनाक भी रहते हैं। उनसे डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि गाड़ी, घर, खेती बाड़ी, इंसान और तो और जानवर भी तकलीफ में आ जाते हैं। तो आज दोस्तों हम हेलस्टोन से किस तरह बचे और बचा सकते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। पर अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहले हम जानेंगे कि हेलस्टोन्स होते क्या है और कैसे बनते हैं। हेलस्टोन्स जिसे विनाश भी कहते हैं, जब आंधी तूफान में बारिश के बूंदे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आसमान के ऊपर फ्रीजिंग लेवल में चले जाती है, तब आइस के गोले बंद कर भारी होने की वजह से बरसते हैं। इन बर्फ के गोले को हेलस्टोन्स बोलते हैं। ये पी साइज्ड या फिर मार्बल साइज्ड होते हैं, पर हेलस्टोन के वक्त ये गोले 3 मीटर तक बड़े भी हो सकते हैं। हेलस्टोन्स आने से पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको मौसम की जानकारी रखनी चाहिए, जैसे कि अगर आज फोकस्ट में क्या बताया जा रहा है, और अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहां बर्फ पड़ती है तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेलस्टोन्स 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी गिरते हैं। इसीलिए मौसम के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है और अपने छत को अच्छे से मजबूत बना लीजिए। हेलस्टोन के समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आप कहीं बाहर है तो छत के नीचे चले जाइए, हो सकता है तो सीमेंट या ईंटों के नीचे जाइए। खिड़कियों और कांच से दूर ही रहिए क्योंकि वो टूट सकते हैं। अपना फोन और जरूरत के सामान अपने हाथ में रखिए और कुछ भी हो जाए अपने पास गर्मी बढ़ाए रखिए। अपने आप को बाहर जाने से रोके, और ज्यादातर हेलस्टोन के समय लाइटनिंग होती है तो घर में रहना ज्यादा अच्छा होगा। हेलस्टोन की गिरने की स्पीड और इंटेंसिटी पता नहीं चलती और वो बदलती रहती है, इसके लिए उसका ज्यादा ध्यान भी रखना होता है। बच्चों और जानवरों का भी ज्यादा ध्यान दें। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो गाड़ी को बिल्डिंग या टनल के नीचे रोक दें, और अगर आप 2 व्हीलर्स पे हैं तो जल्द से जल्द आसरा लेकर रुक जाइए और खत्म होने का वेट करें। और हेलस्टोन्स के बाद क्या करना चाहिए? हेलस्टोन खत्म होने के बाद अगर कांच या कोई सामान चुका है तो उसे साफ कर दें, और अपने सारे करीब दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछ लें कि वो ठीक है कि नहीं। तो ये थे कुछ सेफ्टी टिप्स जिससे आप सेफ रह सकते हैं हेलस्टोन के टाइम भी। और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।